हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो टॉपिक अपना चल रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM तक बता दिया था, और ये जो एक्सलेशन है पार्टिकल का, ये आया था -m ओमेगा स्क्वायर y। y डिस्प्लेसमेंट था और m ओमेगा स्क्वायर ये था कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोल सकते इसको, -m ओमेगा स्क्वायर भी बोलते हैं, m ओमेगा स्क्वायर भी बोलते हैं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, राइट। तो उससे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमने लिख दिया। बाकी एक्चुअल में ये आया था अपना एग्जेशन पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो एट द एंड ये आया था, ठीक। आज अपन डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो यही होता है mv² ½ mv² ये होती काइनेटिक एनर्जी। अपन ने जो फार्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का, ये पढ़ा था ओमेगा रूट a² -y², इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी का वैल्यू लिख देना ओमेगा a² -y² का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये नोट कर लो। फिर अपन पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस करते हैं। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। जैसे कोई स्प्रिंग है या कोई बॉडी है या इलास्टिक वायर से हैंग की बॉडी है, इसको हम पुल कर रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर पुल कर रहे हैं mg वेट लगा के, ठीक है। तो जैसे हम वेट mg लगाएंगे, जिसमें एक्सटेंशन होगा, और उस एक्सटेंशन की वजह से, एक्सटेंशन मान लो y है, तो अंदर की ओर एक फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। ऊपर की ओर ये y0 पोजीशन है और ये एक्सटेंशन होगा वाई, तो अंदर की ओर एक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हम बोल सकते हैं जो इस फोर्स को -k को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब फर्दर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वाई डी वाई फोर्स ऑन वायर, इलास्टिक वायर है ना, इलास्टिक इलास्टिक वायर ड्यू टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना वाई -m ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक। इफ फर्दर स्प्रिंग दिस वायर, हमने एक्चुअली वायर ले लिया ना, स्प्रिंग भी ले सकते थे। इफ फर्दर वायर डिस्प्लेस्ड थ्रू डी वाई, देन वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा, यहाँ लिख दो स्मॉल वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 है ना, क्योंकि दोनों बीच में एंगल कितना है 180। कॉस 180 माइनस 1 होता है,
अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इतना फिर से समझ लो, फोर वायर ड्यू टू एक्सटेंशन वाई एफ माइनस एम ओमेगा वाई, यहाँ लिखा है, इफ फर्दर वायर इज डिस्प्लेस थ्रू डी वाई देन स्मॉल वर्क डन एफ डी वाई कॉस 180, कॉस 180 माइनस वन होता है, री माइनस प्लस हो जाएगा, इतना आएगा, ठीक। अब अपन इसको आगे करते हैं, फॉर टोटल वर्क डन इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन का रूल तो जानते होगे, पावर बढ़ जाती है ना, वन मान लें इसकी पावर, तो वर्क डन वन प्लस वन अपन वन प्लस वन है ना, एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक। अपर माइनस लोअर, और इस तरह से आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, हाफ एम ओ स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, हमने एस एच एम करती हुई बॉडी की दो एनर्जी देखी, एक थी काइनेटिक एनर्जी जिसका वैल्यू था हाफ एम ओ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, जिसको अपन ने ई के लिखा था। दूसरा ई पी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको भी डिराइव किया एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो ये दोनों का एडिशन होगा, और कितना होगा अभी देखो, ये कट जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, है ना, टोटल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली ई पी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाली हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल, मीन पोजीशन में पोटेंशियल मिनिमम होती है, काइनेटिक मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर पोटेंशियल मिनिमम काइनेटिक मैक्सिमम, है ना, यहाँ काइनेटिक मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम, राइट, वाई ई माइनस, ठीक ए, और ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से ये टोटल एनर्जी दोनों का एडिशन, ये लाइन, और ये होगी काइनेटिक और ये वाली होगी पोटेंशियल, ठीक है। और दोनों कहाँ कट करेंगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगी, देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, सब कट जाएगा, मतलब वाई ए वाई रूट टू हो माइनस ए वाई रूट टू, इन दो कंडीशन में बराबर हो जाएंगे टोटल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे ए वाई रूट टू में, 50-50 बराबर हो जाती दोनों, ठीक है। अपन डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये है सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम में अपन को डिस्कस करना है। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक एंड वेटलेस स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट ऑफ इनफाइनाइट मास। ठीक है, तो ये एक बड़े रिजिड सपोर्ट से छोटा सा मास हैंग्ड होगा, इसको अपन बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, राइट। अब इसके अपन टाइम पीरियड का डेरिवेशन डिराइव करते हैं। इसके लिए अपन ये मानते हैं कि इसका वेट लग रहा है एम जी है वेट, है ना, एम वेट एम जी, राइट। और ये अपन ये मान लेते हैं थीटा है एंगल, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे एम जी साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन काम करेगा, एम जी साइन थीटा, जो टूवर्ड्स मीन पोजिशन लाएगा, जो ड्राइविंग फोर्स का काम करे मीन पोजिशन लाने का, उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, टूवर्ड्स मीन पोजिशन लाए। तो ये होगा माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस क्यों लगा रहे, क्योंकि थीटा के बढ़ने का विरोध करता है ये वाला फोर्स, जो फोर्स लग रहा है साइड एम जी साइन थीटा, थीटा के बढ़ने का विरोध कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा होता है, तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा माइनस एम जी थीटा। अब यहाँ इतने पार्ट को अपन आर्क जैसे मान लें, आर्क और लेंथ ही मान लिया है ना, वो इस वायर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो अपन को पता है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज एक्स अपॉन लेंथ, है ना। ये चीज यहां पुट कर दो सब्स्टिट्यूटिंग, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, मतलब फिर से लिख दे रहा है एफ इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, ये हो गया फोर्स। अब इतने अच्छे को देख लो, पहले ड्राइविंग फोर्स लिखा एम जी साइन थीटा को थीटा लिख दिया छोटे एंगल के लिए, क्योंकि छोटे एंगल के लिए हम बोल सकते हैं साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, फोर्स को लिख दिया माइनस एम जी थीटा, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क एक्स और लेंथ एल, रेडियस हो गया, यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, ये फोर्स आ गया। अब देखो एक्सेलरेशन होता है ड्राइविंग फोर्स, ये हर सुनाएंगे अपन अपन मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एक्स एरी कराना, देयरफॉर मोशन इज एस एच एम, ठीक लिख सकते हो, मोशन इज एस एच एम। अब अपन को टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड होता है टू पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ठीक। एक्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या है, ए सी, ये जी माइनस में हटा देना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, इन साइड में नेगेटिव होना चाहिए रूट के, नहीं तो इमेजनरी हो जाएगा, मैथ्स वालों को पता होगा इमेजनरी रूट के अंदर जब माइनस आता है, तो कुल मिला के अपन ने इसका प्लस रखा साइन को इग्नोर करते हुए, और यहाँ पे टी आ गया टू पाई रूट एल अपॉन जी। ये है टाइम पीरियड का फार्मूला, और फ्रिक्वेंसी चाहिए
तो इसका उल्टा कर लो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिख दे रहे हैं जी अपॉन एस, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये टाइम पीरियड हो गया, इस तरह से करना है सिंपल पेंडुलम। और भी एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके।